ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शैली आत्मा वो है जिनके जीवन में समस्या ज्यादा आती है। जितना जो बच्चा पेपर ज्यादा देता है उसको नौकरी भी अच्छी लगती है। अगर पेपर के समय मम्मी के सामने वो बच्चा रोता है, मम्मी मुझे टीचर बहुत मारता है, पेपर बहुत कठिन है, तो माँ उसको ये करेगी, दया करेगी, पेपर कैंसिल करेगी, पेपर ही नहीं देगा, उसको नौकरी कैसे लगेगी। तो हमारे सामने जब समस्या आती है हम क्या करते हैं, बाबा ये बहुत विघ्न आ रहे हैं, मेरे को परिस्थिति आ रहे हैं, तो बाबा भी रहम करता है, पेपर कैंसिल कर देगा। अगर पेपर ही नहीं दिए सत्यु का पद ऊंचा कैसा मिलेगा। जितना जो संघर्ष है उतना ही उसका उत्कर्ष होता है। अभी भी आप अपने जीवन में पता कर सकते हैं मेरा पद क्या होगा। अगर मैंने बहुत समस्या बहुत संघर्ष किए हैं, संघर्ष वाली आत्माएं उपराम रहती हैं। वैसे तो हम तीन बाप के बच्चे हैं, बाप कितने हैं, ये किए तीन बाप हैं, लौकिक अलौकिक ब्रह्मा बाबा और तीसरा शिव बाबा। लेकिन मां कितनी है, नींद में बोल रहे कोई एक कोई दो, ऐसा क्या बात, कितनी माए, चार माए, ब्रह्मा मम्मा लौकिक मां और चौथा है ड्रामा। और सबसे महत्व की मां है ड्रामा। और मां तो मां होती है, मां कभी भी बच्चे का बुरा नहीं करती। अगर बच्चा बीमार है तो मां उसको दवाई पिलाती है, दवाई कड़वी है, बच्चा नहीं पीता, मां उसका हाथ पकड़ करके फिर भी चम्मच डालेगी, वो तंग नहीं कर, उसका प्यार है। अगर ये कड़वी दवाई अंदर पेट में जाएगी कई बीमारियां उसकी ठीक हो जाएगी। इसी तरह ड्रामा भी हमारी मां है, वो हमें क्या करती है, कोई समस्या कोई बातें, ये कड़वी बातें आती हैं हमको पिलाती हैं, हमको उसको पीना है। ये नहीं को सोचना ये बातें कैसी आ रही है, ये परिस्थिति कैसी आ रहे हैं, ये परिस्थिति के पीछे कल्याण है, उस कड़वी दवाई के पीछे समाधान करो। क्यों क्या नहीं करो, जो परिस्थिति को स्वीकार नहीं करता उसको तनाव आता है, टेंशन आता है। जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करो। अगर कोई बच्चे को मां थप्पड़ मारते तो बच्चा कहां जाता है, कहां जाता है, मां थप्पड़ मारेगी तो मां बाप के पास जाएगा। अगर मां थप्पड़ मारते तो बाप के पास जाएगा और क्या बोलता है, मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इतना ही बोलता है ना। ये थोड़ी बोलता है मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इस मम्मी को बाजार में बेच करके दूसरी लेके आऊं, बोलता है। लेकिन हमें जब ड्रामा मां थप्पड़ मारती है तो हम कहां जाते हैं, बाबा के पास, शिव बाबा के पास, और क्या बोलते हैं, बाबा हाँ आज ड्रामा ने माँ ने मुझे थप्पड़ मारी, इस ड्रामा को बदल दो, माने इस माँ को बेच करके दूसरी लेके आओ। तो बाबा क्या कहता है, तुमको यहाँ से जाना तो भले जाओ, मैं तुम्हारे कारण ड्रामा को थोड़ी बदलूं, क्योंकि ड्रामा बाबा की पत्नी है और शिव बाबा उसका पति है। बाबा कहता है ड्रामा रूपी पत्नी मुझे जब तक नीचे नहीं बुलाती मैं तब तक नहीं आता हूं। तो परमात्मा भी ड्रामा के वश में है, वो भी उसको पसंद है। तो आज परमात्मा को भी अपनी पत्नी पसंद है तो हमें भी अपनी मां पसंद होनी चाहिए। इसलिए ड्रामा में जो कुछ होता है ये हमारे कल्याण के लिए है। और जिन्होंने ड्रामा को पसंद किया उसके निगेटिव विचार नहीं चलेंगे। ये क्यों क्या नहीं करेगा, वो कारणों का निवारण करेगा, समस्याओं का समाधान करेगा। इसलिए ड्रामा को पसंद करो, वाह ड्रामा वाह।
वाह बाबा वाह, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में बाप। और जो ड्रामा को पसंद करता है वो व्यर्थों से बचता है, उसका कल्याण होता है। जो ड्रामा को पसंद नहीं करता उसका कल्याण नहीं होगा। इसलिए ड्रामा को पसंद करो, वाह वाह करते रहो,